जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। हेलो दोस्तों, इस प्यारी सी थॉट के साथ मैं संजू आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि आज मैं क्या कर रही हूँ, तो आज मैं फिश करी बनाने वाली हूँ। तो सारी जो मछलियाँ हैं वो सबको मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है दोस्तों मछलियाँ साफ़ करने में, क्योंकि छोटी मछली है। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे फिश करी बनाती हूँ आज। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारी मछलियों को धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसमें हल्दी और नमक मिला दिया है। तो अभी मैं कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखी हूँ। तेल गरम होते ही मैं सारी मछलियों को इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो हमारी जो मछलियां हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी कढ़ाई से। मछलियों का करी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और तेल गर्म होने के बाद इसमें प्याज डाल देना है और प्याज को थोड़ा सा अच्छे से भून लेना है। उसके बाद इसमें मसाला ऐड कर देना है दोस्तों। मसाला ऐड करने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाना है, और हल्दी मिलाने के बाद थोड़ा सा कश्मीरी रंग भी देना है ताकि हम लोग का जो करी है वो थोड़ा अच्छा दिखे, रेड रेड सा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिला चुकी हूँ। मसाला को अच्छे से भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर देना है, और टमाटर के साथ थोड़ा सा मसाला को भून लेना है। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से पक चुका है, तो अभी इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। दोस्तों, हमारा जो मछली का करी है उसमें उबाल आ चुका है, तो अब हम लोग सारी जो मछलियाँ हैं उसको इसमें डाल देंगे और थोड़ा इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसको एक मिनट के लिए पकने देंगे, और उसके बाद हम लोग इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे दोस्तों। दोस्तों, हमारा जो फिश करी है वो बन के रेडी है, ये देखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।